नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मेल बिहार में। भारत में एक समय था जब हिंदू मुस्लिम साथ साथ बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन अब मामला इससे उलट हो गया है। हमें हर रोज अखबार और सोशल मीडिया पर दोनों समुदाय के बीच लड़ाई झगड़े की खबरें ही दिखाई देती हैं। लेकिन इस कट्टरपंथी के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी मानवता के धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही घटना लेकर आई हूँ। घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है। गांव में हिंदुओं और मुस्लिमों की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन समय समय पर दोनों में से किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। इसी बीच अकेले व्यक्ति सलीम ने एक ऐसा कदम उठाया है कि दोनों समुदाय अब साथ साथ प्यार से रहते हैं। दरअसल सलीम की बेटी का निकाह था। गांव में दोनों समुदाय के लोगों के बीच तनाव का माहौल था, लेकिन सलीम की चाहत थी कि उसकी बेटी का निकाह दोनों समुदाय मिलकर करवाए। इसलिए सलीम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर सभी वाह वाह कर उठे। दरअसल सलीम ने गांव में प्रत्येक हिंदू घर में अपनी बेटी के निकाह का न्योता भेजा। निकाह के कार्ड की सबसे खास बात यह थी कि उस कार्ड पर भगवान श्री राम और माता सीता की तस्वीर छपी हुई थी। इस कार्ड को देखकर कोई भी हिंदू शादी में आने से मना नहीं कर सका और दोनों समुदाय ने मिलकर धूमधाम से मोहम्मद सलीम की बेटी का शादी कराया। इससे इलाके में खुशहाल संदेश गया। गांव में हर तरफ इसी बात की चर्चा है और सभी लोग सलीम की तारीफ करते नहीं थकते। उम्मीद है कि आप सभी को यह न्यूज़ बहुत पसंद आई होगी। न्यूज़ के आखिर में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी से कोई वैर भाव नहीं रखना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे की तमाम खबरों के लिए मेल बिहार के साथ बने रहें।